गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज मुन्ना सर फ्रॉम इंस्टीट्यूट इंडिया। ये क्लास 3 का साइंस है, लेसन 4। मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि लेसन 3 तक, आई मीन 1-3 का मैं क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग सब ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। आई थिंक 1-2 का आपको मिलेगा ऐप पे, जो ऐप है स्टूडिया ऐप, आप यूज कर सकते हैं। और 3 का आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे मिलेगा। अभी आप व्हाट्सएप ग्रुप से ही सारे स्टडी मटेरियल प्राप्त कर लेंगे। उस ऐप पे कोई स्टडी मटेरियल अपलोड नहीं होगा, इसलिए उस पर आप लोग ना जाए, उसको यूज ना करें। फिलहाल हम लोग आज लेसन 4 जो है वो पढ़ेंगे। लेसन 4 एक्चुअली है क्या? तो लेसन 4 है, आप देख सकते हैं, बर्ड्स बीक्स एंड फीट। बर्ड्स के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बर्ड्स एक्चुअली में क्या है, उसके बीक्स कैसे होते हैं और उसके फीट कैसे होते हैं, एंड इसके क्लॉज भी होगा। तो इसका मेन फीचर्स ऑफ ए बर्ड है। पहला पॉइंट हम लोगों को ये जानना है कि व्हाट इज द मेन फीचर्स ऑफ ए बर्ड। तो वी सी मेनी ब्यूटीफुल बर्ड्स अराउंड अस। हम लोग अपने चारों तरफ कई चिड़िया को देखते हैं, छोटा बड़ा बहुत बड़ा। कुछ ऐसे चिड़िया होते हैं जो बहुत छोटा होता है, कुछ ऐसा चिड़िया होती है जो बहुत बड़ी होती है, कुछ ऐसे पक्षी है जो दौड़ने में फास्ट होता है, उड़ नहीं पाता है, फ्लाइटलेस जिसको बर्ड बोलते हैं। कुछ ऐसे पक्षी है जो पानी में रहता है, कुछ ऐसे पक्षी है जो पानी में नहीं रहता है। तो ये सारे जो है बर्ड्स का फीचर्स है, ये सारी बातें बर्ड्स का फीचर्स है। और बर्ड्स एक्चुअली मेन फीचर्स ऑफ ए बर्ड ये है कि उसके पास विंग्स होता है। बर्ड्स के पास क्या होता है? विंग्स होता है। विंग्स क्या करता है? विंग्स से उसको उड़ने में मदद मिलता है। विंग्स हेल्प अस टू फ्लाई, बर्ड्स को उड़ने में मदद कराता है। उड़ते हुए उसके विंग्स को रोक के कंट्रोल करके वो अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। उसके बाद उसमें फीडर्स होते हैं, रुआ होते हैं शरीर में। आप देखते हुए अगर कोई बर्ड्स का छोटा छोटा रुआ होता है विंग्स के अलावा, वो एक्चुअली में उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन से, जैसे वर्षा होती है उससे उसको बचाता है, ठंडी पड़ती है उससे उसको बचाता है। बर्ड्स होते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, इसलिए उनको ठंडी बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मी भी लगती है, इसलिए उनके शरीर में उस लायक बना होता है जिससे वो अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के अनुसार बढ़ सके। उसके बाद उसके पास बीक्स होता है। बीक्स से वो क्या करता है? हम लोग मुंह से खाना खाते हैं, दांत से काटते हैं। बर्ड्स के पास बीक्स होता है, उससे वो उतरने का काम करता है। बीक्स कई प्रकार के होते हैं, हार्ड फूड को खाने के लिए भी होते हैं, सॉफ्ट फूड को खाने के लिए भी होते हैं। ये डिपेंड करता है बर्ड्स के ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग टाइप्स क्या है, उसके फीडिंग का प्रकार क्या है, ये उसके बीक्स जो है उसके फीडिंग्स पे डिपेंड करता है। जैसे कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो मांस को खाता है, तो उसका बीक्स बहुत स्ट्रांग होता है, मांस को नोच के खा सकता है, अच्छा मांस को। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जो ग्रेन खाते हैं, उसका बीक्स भी ग्रेन खाने लायक होता है। जैसे वुड पिकर का नाम आप लोग सुन चुके होंगे, वुड पिकर का बीक इतना स्ट्रांग होता है कि वह लकड़ी को मारते मारते बहुत वुड को पिक कर लेता है, यानी वुड पिकर, और वुड के अंदर वो अपना घोंसला बना लेता है। तो ये बीक जो है उसके भोजन पे डिपेंड करता है। उसके बाद बर्ड्स में होता है क्लॉज, पंजा जिसको बोलते हैं। एक्चुअली में इससे जो है वो अपने प्रे को, अपने शिकार को जकड़ लेता है। जैसे आप देखते होंगे एगल के बारे में सुने होंगे कि वो स्नेक को जकड़ दिया तब बीक से काट कर खाने लेता है। तो वो क्लॉज होता है उसे एक तो पेड़ पौधे पे डाली को पकड़ने में, चलने में, जंप करने में मदद करता है, और साथ ही अपने प्रे को पकड़ने में मदद करता है। आप एक चीज और जानते होंगे, कोई भी चिड़िया उड़ने से पहले जंप करती है। ये फीचर्स आप लोग याद रखिए, कोई भी चिड़िया उड़ने से पहले जंप करती है फिर वो फ्लाई करती है। दूसरा फीचर, चिड़िया का जो शेप एरोप्लेन के शेप के जैसा है। एक्चुअली में एरोप्लेन का शेप ही चिड़िया को देख के बनाया गया। तीसरा फीचर्स, चिड़िया जो होती है वो बहुत कलर का होता है, रंग बिरंगे, छोटा बड़ा आपको बता ही नहीं। तो ये सारे फीचर्स हैं पक्षी के
उसके बाद हम आप लोगों बिग्स के बारे में बताई दिए, फी के अंदाज के बारे में बताई दिए। अब आप लोग क्या करेंगे, अपने बुक्स को खरीदते हैं, बुक्स अपने दुकान से, माँ सरस्वती बुक प्लेस है जो कि पांच में है, आप सब जानते हैं। पिछले वर्ष जो दुकान था उसी दुकान में इस साल के बुक्स मिल रहे हैं। और साथ में जो नए बच्चे हैं जिनको ये पता नहीं है, उनको मैं बताना चाहूँगा कि माँ सरस्वती बुक प्लेस है रिंग बांध मथुरा हाई स्कूल के नज़दीक में, सीतामढ़ी में आप जाएंगे और अपने बुक्स वहाँ से प्राप्त कर लेंगे। बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बुक्स आपके पास रहेगा तो ही आप हमारे वीडियोज की मदद से, हमारे फेयर, हमारे स्टडी मटेरियल्स की मदद से आप पढ़ पाएंगे, अदरवाइज आपको पढ़ने में बहुत समस्या होगी। तो बुक्स जरूर ले लें एकदम किसी की कीमत पे, एनी हाउ बुक्स खरीद लें। अगर आपको दुकान में जाने में प्रॉब्लम होती है, ऐसे बुक स्टॉल खुला हुआ है, सब बुक स्टॉल खुला हुआ है, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप अपने स्कूल में आए, स्कूल में जो आपके सर हैं, आई थिंक महेश सर हैं, कपिल सर हैं, उनसे आप बात करें, वो आपको बुक्स उपलब्ध स्कूल में भी करा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग इस चैप्टर का वर्ड मीनिंग में आज इससे पहले डाल चुका हूँ, आज मैं आपको इस चैप्टर के बारे में कुछ डिटेल बता दिया हूँ, आप लोग इस चैप्टर को रीड करेंगे। और व्हाट्सएप में आप लोग बहुत मैसेजेस करते हैं विदाउट एनी रीजन, मैसेजेस करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी टाइमिंग बताया गया है कि 6 से 8 शाम में ही आपको मैसेज करना है, अगर 6 से 8 के अलावा अगर आप मैसेज करते हैं तो दैट इज रॉन्ग, ये गलत है, और इसके बदले में आपको पनिश भी किया जा सकता है, इवन कि आपका नंबर ब्लॉक किया जा सकता है। क्योंकि हम लोग बहुत सारे काम में रहते हैं, सोए रहते हैं, कहीं रहते हैं, उस समय मैसेज आता है तो आपके मैसेज को हमें देखना पड़ता है, अगर हम उसे नहीं देखते हैं तो आपकी भी, आपको भी गलत अच्छा नहीं लगेगा। अब आप खुद सोचिए, आप अपने टाइमिंग से काम को करते हैं, अगर आपको बीच में डिस्टर्ब किया जाए, ये पूरे ये सिस्टम जो है, पूरा देश हमारा एक एडमिनिस्ट्रेशन बना हुआ है, उसका एक रूल्स रेगुलेशन है, तो आपके इस जो ऑनलाइन जो लर्निंग चल रहा है, आपकी पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन स्टडी मटेरियल्स आपको भेजा जा रहा है, ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, ये एक्चुअली में एक सिस्टम के तहत है, उस सिस्टम के तहत ही आप लोग काम कीजिए, उस सिस्टमेटिक तरीके से काम कीजिए, जिस टाइमिंग में आपको मैसेजेस करने हैं, यानी 6 से 8 इवनिंग, शाम में 6 बजे से 8 बजे तक ही आप अपने होमवर्क को बना के रखिए, दिन में बना के रखिए, रात में बना के रखिए, डजंट मैटर, आपको उसको अपने ग्रुप पे डालना है 6 से 8 के बीच में, क्योंकि उस समय हम लोग कोई काम नहीं करेंगे, उस समय सिर्फ आपके होमवर्क को देखेंगे कि कौन बच्चा डाला, कौन नहीं डाला, क्यों नहीं डाला। और ज्यादातर आप अपने पेरेंट्स से मदद लें, अपने भाई से मदद लें, अपने नेबर्स पड़ोसी हैं उनसे मदद लें और पढ़ाई को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। इसके बाद मैं फिर आपको इसका क्वेश्चन आंसर डालूंगा। तो एक और बात मैं बोलना चाहूँगा कि 1, 2, 3 तक आप लोग फेयर कर लें, और फेयर करने के बाद यथासंभव एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके आप इस ग्रुप पे डाल देंगे। धन्यवाद।